क्या आप जानते हैं कि ग्रहों की ऊर्जा से सभी धर्मों के लोग गर्भधारण से मृत्यु तक प्रभावित होते हैं? और ज्योतिष धर्म नहीं, विज्ञान है। इसी वैदिक ज्योतिष के अनुभवी और शिक्षित ज्योतिषियों द्वारा ग्रहों के प्रभाव का आकलन करके आप घर बैठे परामर्श पाइए। जय माता दी। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई और करियर को लेकर परेशान हैं? नशा छोड़ने में कोई बाधा, विदेश यात्रा में रुकावट, या आप हैं निसंतान? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं ये हमारे जीवन में क्रूर ग्रहों का असर तो नहीं? तो आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख सकता है जो हम नहीं देख पाते। आपकी ऐसी हर समस्या का समाधान है। व्यापार में रुकावट, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प योग, महामृत्युंजय जाप, बिना तोड़फोड़ कैसे करें अपने घर का वास्तु ठीक, या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, कैंसर, किडनी, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल पेन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का दवाइयों और ज्योतिष विज्ञान से उचित समाधान किया जाता है। साथ ही बच्चों की नजर और जिद जैसी हर समस्या का समाधान भी किया जाता है। जन्म पत्री देखी और बनाई भी जाती है। ओम नमो आदेश गुरु जी को, सभी मित्रों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रामायण की कैसी दिव्य चमत्कारी चौपाई बताने जा रहे हैं, जो राम बाण की तरह जन्मों जन्मों की तंगहाली बदहाली और भुखमरी वात्रेतरता का मूल से नाश कर देती है। वैसे तो रामायण महाकाव्य की हर एक चौपाई अपने आप में महामंत्र है। रामायण के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। यदि हम रामायण के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले तो धरती स्वर्ग बन जाएगी और हर घर सुखी व संपन्न होगा। रामायण के महामंत्रों में से आज हम आपके लिए ऐसा ही एक दिव्य चमत्कारी महामंत्र चौपाई के रूप में लेकर आए हैं, जिसको करने से आपके जीवन में सुख में परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन को आप महसूस भी कर पाएंगे और देख भी पाएंगे। निश्चय जानिए कि ये चौपाई आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन लाएगी और आप अपने दुख दरिद्रता को सदा सदा के लिए भूल जाओगे। रामायण की इस दिव्य चौपाई के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पंडित नरेश नाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हरगिज ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और आप उसे देखकर लाभ उठाते रहें। दर्शकों, अब आप अपने जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लाइक कर वहाँ पर भी हमारी अनुभूत साधनाएँ तथा दिव्य चमत्कारी टोटके तथा ज्योतिष के सरल समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, लाइक करना भी ना भूलें। तो दर्शकों, आज जिस दिव्य चौपाई के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चौपाई को करने के लिए आपको किसी मुहूर्त विशेष की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दिन जब आपके हृदय में श्रद्धा, भक्ति और भाव और समर्पण हो, आप इस चौपाई का प्रयोग कर सकते हो और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। तो ये चौपाई आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर अपनी नित्य क्रिया करने के उपरांत, अपनी नित्य की पाठ पूजा करने के उपरांत, आपको
अपने पूजा स्थान पर भगवान राम के दरबार का चित्र स्थापित कर लेना है। धूप बत्ती लगाकर सुगंधित पुष्प को प्रसाद का भोग लगाने के उपरांत ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप आपको कर लेनी है। भगवान शिव और राम ने ये बात कही है कि जो राम को नहीं भजता वो शिव को नहीं पा सकता, और जो शिव को नहीं भजता वो राम को नहीं पा सकता, इसलिए दोनों में अंतर नहीं करना चाहिए। ऐसा रामायण में कहा गया है, जो अंतर करता है वह घोर नरक में जाता है। तो सर्वप्रथम भगवान शिव के ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए एक माला, और उसके उपरांत आपको इस दिव्य चौपाई का जाप करना है। आपको चौपाई का जाप मानसिक रूप से एक माला करना होगा। अपना सीधा हाथ अपने सिर पर रखना होगा और उल्टा हाथ अपने पेट पर रखना होगा, और राम दरबार का ध्यान करते हुए आपको इस चौपाई का जाप करना है। और फिर देखें कैसे आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती है, कैसे आपके दिन बदलते हैं। ये चौपाई अत्यंत ही चमत्कारी है, तो वह चौपाई नोट कर लीजिए जो आपके जीवन में सुखद परिवर्तन ला सकती है, जो आपके जन्म जन्मों के दुर्भाग्यों को सदा सदा के लिए समाप्त कर सकती है। वह चौपाई इस प्रकार से है, विषव भारण पोषण कर जोई, तारक नाम भरत जस होई, राम सिया राम जय जय राम। फिर सुन लीजिए, विषव भारण पोषण कर जोई, तारक नाम भरत जस होई, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का आपको 108 बार जाप करना है। कुछ ही दिनों में आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, और जब आपका जीवन सुखमय हो जाए तो अपनी मेहनत व ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुए धन में से थोड़ा सा धन गरीबों की जरूरत के लिए या गाय को हरा चारा खिलाने के लिए अवश्य ही निकालें, ताकि ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो ये थी आज की दिव्य चौपाई और उसको करने की विधि। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जाते जाते इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हरगिज ना भूलें। और यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना लाइक करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य जानकारी समय समय पर लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सुखमय बना सकें। तो दर्शकों, आप सभी आज की इस दिव्य चौपाई को अवश्य ही कर देखें और इसका लाभ उठाएं। आज के इस वीडियो के संबंध में यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप सुबह 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे तक हमें फ़ोन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके उपरांत अपने जीवन से जुड़ी जटिल समस्याओं का सरल समाधान प्राप्त करने के लिए आप काल में कोर ऐप डाउनलोड कर वहां पर पंडित नरेश नाथ जी @CM4 सर्च कर सीधी हमसे बात कर अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। तो दर्शकों, आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, भगवती महाकाली आप सभी का मंगल करें।